नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार सिन्हा आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में जिसका नाम है स्टॉक लर्निंग। दोस्तों आज मैं एक वीडियो बना रहा हूं वोडाफोन आइडिया के ऊपर, क्योंकि मैंने पहले भी वोडाफोन के ऊपर एक वीडियो बनाया था और उसी के फॉलो अप में मेरा वीडियो है और इसमें मैं कुछ डिटेल में बात करूँगा वोडाफोन के बारे में। तो जब मैं डिटेल में बात करता हूँ तो वीडियो मेरा थोड़ा लंबा हो जाता है, ज़्यादा ड्यूरेशन का हो जाता है। तो मेरे ऐसे दोस्त जो वीडियो तो पूरा देख लेते हैं उसके बाद मुझे कमेंट करते हैं कि वीडियो इतना लंबा ना बनाया करो, उनसे मेरा निवेदन है, नम्र निवेदन है, आग्रह है, अनुरोध है कि कृपया आप इस वीडियो को ना देखें क्योंकि वीडियो लंबा होगा और वोडाफोन के ऊपर यूट्यूब में और भी बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं, 5-5, 10-10 मिनट के दूसरे शेयर के भी वीडियोज़ हैं, तो आप वो देख लें। क्योंकि जितना देर में आप मेरा वीडियो देखेंगे उतना देर में वहाँ 4 कंपनी का आप अलग अलग वीडियो देख लेंगे और BSE में और NSE में कितना लो हुआ, कितना हाई हुआ, इसकी पूरी जानकारी आपको हो जाएगी, आप भी खुश, यूट्यूबर भी खुश। तो कृपया आप ये वीडियो को ना देखें। एनीवे मैं लंबा नहीं करता हूं। तो वोडाफोन के बारे में जैसे मैंने बताया था कि वोडाफोन के ऊपर जो सबसे बड़ी मार है वो दो तरह की मार हो रही है वोडाफोन के ऊपर। एक तो इसके जो कस्टमर हैं वो धीरे 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 वो कम होते चले जा रहे हैं, जियो उनको अपनी ओर खींचता चला जा रहा है, तो इनका मार्केट शेयर एक वोडाफोन का कम होता जा रहा है। और दूसरा इनके ऊपर डेप्थ जो है वो AGR ड्यूज जो है उसकी वजह से और बढ़ता चला जा रहा है, तो इसके चक्कर में वोडाफोन जो है फंसी हुई है और काफ़ी लोगों का कहना है कि इसका ऑपरेशन बंद हो जाएगा, ये कंपनी जो है अब नहीं सर्वाइव कर पाएगी। बहुत लोगों का अपना अपना व्यू है, अपना अपना मानना है, लेकिन इसमें जो है वो मैंने पहले ही बोला था कि वोडाफोन के पास 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता तो ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल करें और सुप्रीम कोर्ट में ये बोले कि भाई हमें सरकार से कुछ जो है वो राहत दिलवाओ, कोई मुझे वेल आउट पैकेज वगैरह कुछ दिलवाओ ताकि मैं सर्वाइव करूं, इतने सारे कस्टमर्स का क्या होगा। दूसरा इसके पास रास्ता ये है कि सरकार ही इसको कुछ जो है वो डिस्काउंट दे दे, कुछ राहत दे दे। तीसरा रास्ता इसके पास ये है कि अगर ये दोनों चीज़ जो है ना तो क्यूरेटिव पिटीशन डालती है और ना सरकार कुछ जो है मर्सी दिखाती है, उस केस में इसको कोई अगर बड़ा पार्टनर मिल जाता है जो थोड़ा स्टेक लेकर के वोडाफोन के लिक्विडिटी के इशू को सॉल्व कर दे, तो वोडाफोन जो है फिर से जो है अपना AGR का ड्यूज चुका करके और फिर से लिक्विडिटी आने के बाद अपना ऑपरेशन स्मूथली रन कर सकती है। तो यही 3 जो है इसके पास ऑप्शन था जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो अभी क्या है कि पहला जो ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट में वेल आउट वाला क्यूरेटिव पिटीशन का, तो अभी वो तो नहीं है, लेकिन सरकार ने जो है अब इसके 10 साल की मोहलत दे दिया है जिसमें कि हर साल वोडाफोन को लगभग 5,000 के आसपास, 5,000 करोड़ के आसपास जो है वो इनको चुकाना है, जिसका पहला किस्त जो है इनका वो 31 मार्च 2013 को जाना है, जिसमें कि 5,000 करोड़ के आसपास ये चुकाएंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं वोडाफोन में। इसके पहले मैं थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ वोडाफोन का। तो देखिए वोडाफोन जो था इसने सबसे पहले हच के नाम से अपने सर्विस को स्टार्ट किया था इंडिया में, और आपको पता है कि एयरटेल को अगर किसी ने टक्कर दिया था तो वो हच नहीं दिया था, और आज भी जो है ये जो हच है जो वोडाफोन के नाम से जाना जाता है ये एक बहुत बड़ी इसका एसेट जो है बहुत बड़ा एसेट है, इंफ्रास्ट्रक्चर आज भी बहुत बड़ा है। और मैं शुरू से कहता हूँ कि अगर जिस कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा हो, एसेट्स बहुत ज़्यादा हो, वो कंपनी कभी बैठ नहीं सकती, क्योंकि उस कंपनी को द्वारा उसका बिजनेस जो है वो चलाने के लिए वो नए नए पार्टनर उसको मिल जाते हैं या लोग उसको खरीदते हैं। जिसका एग्जांपल है जैसे आप देखिए फ्यूचर रिटेल, किशोर बियानी जो है जब डगमगाने लगे तो ये इन्होंने टेक ओवर करने की बात करी रिलायंस ने, आलोक इंडस्ट्री को भी रिलायंस ने किया, भूषण स्टील को देखिए आप, उसे भी टाटा स्टील ने किया, चूंकि भूषण स्टील का भी जो कैपेसिटी था बहुत ज्यादा था। आप इलेक्ट्रो स्टील को देखिए, उसको भी वेदांता ने लिया। तो अगर जिस कंपनी के पास भी एसेट्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस कंपनी में कभी भी जो है वो होप नहीं खोना चाहिए, क्योंकि उसको कोई ना कोई मिल जाता है सहारा। तो वोडाफोन पहले हच के नाम से जाना जाता था, और 1994 में जो था ये कंपनी थी हचिसन टेलकॉम, जिसको कि मुंबई में सिल्वर लाइसेंस मिला था। तो ये 1994 में इसका ऑपरेशन बॉम्बे से स्टार्ट हुआ था। और वोडाफोन इंडिया जो है भी ये UK बेस्ड कंपनी है, वोडाफोन ग्रुप, और ये जो है वो वोडाफोन की जो है वो कंपनी है, वोडाफोन ग्रुप की कंपनी है। और वोडाफोन ग्रुप जो है इसने 2007 में हच का मेजोरिटी शेयर जो था, स्टेक जो था, वो इसने ले लिया था। तो कंप्लीटली अब ये वोडाफोन की कंपनी हो गई है। उसके बाद कंपनी ने क्या किया कि कंपनी ने जो था वो 22 टेलीकॉम सर्किल्स में
अपना जो है वो ऑपरेशन को, मैंने पहले मुंबई में काम कर रही थी, उसके बाद धीरे धीरे ये 22 टेलीकॉम सर्किल में इसने अपने ऑपरेशन को बढ़ाया। और वोडाफोन का जो हेड ऑफिस है वो मुंबई में है, और 2016 तक जो इनका ऑपरेशन था वो बहुत अच्छा चल रहा था, वोडाफोन फायदे में जा रही थी, प्रॉफिट दिखा रही थी, और वोडाफोन के कस्टमर भी बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे, कई लोग तो एयरटेल से भी ज्यादा वोडाफोन को लाइक करते थे। लेकिन जियो के आने के बाद वोडाफोन को 2017 से लॉस बुक करने लगी वोडाफोन। जियो आने के बाद जो सिनारियो जो था वो चेंज हो गया, एजीआर का जो इशू था वो भी इशू बहुत बड़ा हुआ वोडाफोन के लिए, क्योंकि इनका एजीआर का ड्यूज जो था वो बढ़ता चला जा रहा था, क्योंकि गवर्नमेंट ने शुरू में जब टेलीकॉम सेक्टर को इंडिया में इनवाइट किया था तो गवर्नमेंट ने यही बोला था कि भाई ऐसा है कि मैं आपसे ना तो स्पेक्ट्रम का कोई चार्ज लूंगा और ना ही मैं कोई आपसे लाइसेंस फी वगैरह लूंगा, तो आप यहाँ पे आकर के अपना टेलीकॉम सर्विस जो है स्टार्ट कर सकते हैं। तो उस वक्त काफी कंपनी आ गई थी, आपको वोडाफोन भी तो हच के नाम से था, एयरटेल भी था, रिलायंस कम्युनिकेशंस था, टेलीनोर था जो यूनिनोर के नाम से था, टाटा इंडिकॉम था, आइडिया था, बहुत सारे शेयर थे, एयरसेल आ गया था, मतलब बहुत सारी कंपनी आ गई थी। मगर अचानक से सरकार ने कहा कि भाई अब जब 10 साल उन्होंने अपना बिजनेस जमा लिया, कस्टमर बना लिया, तो सरकार ने कहा कि भाई अब तो हम लाइसेंस फी भी लेंगे और स्पेक्ट्रम का जो भी है वो किराया भी लेंगे, सब कुछ लेंगे। वो सरकार ने फिर जब अपना पाला बदला उसके बाद से सब कंपनी, चूंकि अब 10 साल का पुराना पीछे जोड़ करके देना था, पुराना 10 साल का एक बार देना था सबको पैसा, तो सबका कमर टूट गया। जो सर्वाइव कर पाई वो एक दूसरे में मर्ज करके किसी तरह से सर्वाइव किए, और जो नहीं, जैसे कि यूनिनोर था या एयरसेल था उसको एयरटेल ने एक्वायर कर लिया, आपका जो आइडिया था वो वोडाफोन में मर्ज हुआ, उसको बंद करना था उन्होंने अपना ऑपरेशन बंद कर दिया, तो इस तरीके से सब भाग गए और मोटा मोटी अब 3-4 प्लेयर ही जो है वो मार्केट में रह गए एजीआर के कारण। तो जैसा कि मैंने बताया कि मोस्टली जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स थे उन्होंने अपना जो था धंधा पानी वो बंद करना शुरू कर दिया, और आइडिया जो था आइडिया सेलुलर वो मर्ज हो गया इसमें वोडाफोन में 2018 में। और जिस समय 2018 में वो मर्ज हुआ आइडिया, उस समय वोडाफोन का जो शेयर मार्केट था वो 21% था, यानी 21% जो कस्टमर थे वो वोडाफोन के पास थे उस वक्त। लेकिन आइडिया भी जब मर्ज हो गया तो आइडिया का भी कस्टमर वोडाफोन को मिल गया, उसके बाद वोडाफोन के पास जो है वो 37.85% शेयर हो गया मार्केट का 2018 में। यानी कि जब वोडाफोन और आइडिया मर्ज कर गए तो सबसे ज्यादा कस्टमर जो है वोडाफोन का अपना, और आइडिया भी कस्टमर अपना लेकर के चलाया, तो 37.85% शेयर हो गया, जो कि सबसे ज्यादा बड़ा था। लेकिन धीरे 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 जियो ने क्या किया, जियो तो 2016 में आ गया था, तो जियो ने फ्री वाली सर्विस दी सबको भाई, तो लोग फ्री का सर्विस देकर के, आपको तो पता है फ्री में अगर कोई देता है तो बोलता है भाई एक नहीं दो दो, तो फ्री वाले जो है आते चले गए। एयरटेल को उतना नुकसान नहीं हुआ, मगर वोडाफोन के काफी कस्टमर, चूंकि एयरटेल के पास पैसे थे, उसने एजीआर वगैरह का ड्यूज क्लियर करने के लिए उसने हामी भर दी और वो सरवाइव कर गया, मगर वोडाफोन जो था वो बेचारा, उसके पास पैसे नहीं थे, इस चक्कर में जो है वो एजीआर के उसकर इसमें भी फंस गया, तो लोगों को लगने लगा कस्टमर को कि वोडाफोन कंपनी अब हो सकता है डूब ना जाए, तो वोडाफोन के ज्यादा कस्टमर जो थे वो जियो में भागना जो है उन्होंने शुरू कर दिया। तो 2020 तक जो एयरटेल जो था, एयरटेल नहीं ये हाँ एयरटेल, एयरटेल ने जो था वो 47.42 लाख सब्सक्राइबर को खोया, और वोडाफोन आइडिया ने 47.26 लाख सब्सक्राइबर को खोया, और ये दोनों जो थे सब्सक्राइबर्स एयरटेल के और वोडाफोन के, ये दोनों चले गए जियो के पास। तो जियो ने धीरे 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 इनका जो है बजाना शुरू कर दिया। तो वोडाफोन आइडिया के पास आज की डेट में मात्र 26.75% मार्केट शेयर बचा है, जो इनके पास 37.85% था, वो घट करके 26.75 पर अब आ गया है। वोडाफोन आइडिया के पास जो है वो 1 लाख से ज्यादा, 1 लाख करोड़ से ज्यादा का बैंक का कर्जा है, और 58,000 करोड़ के आसपास का एजीआर का ड्यूज है। कंपनी को दो चैलेंज अब जो है सो फेस करना है। पहला चैलेंज क्या फेस करना है, कंपनी को जो इनके कस्टमर जा रहे हैं धीरे धीरे कम हो रहे हैं उनको रोकना है, कस्टमर को वापस भी लाना है, और इनको कम से कम 58,000 करोड़ जो इनका एजीआर का देना है उसका भी इनको इंतजाम करना है, यानी फंड रेज करना है। तो कंपनी जो है अभी दो तरह के प्रॉब्लम से जूझ रही है। ये है पूरी एयरटेल की कहानी, कब शुरू हुई कंपनी,
कैसे कैसे इससे कस्टमर भागे जियो के पास, कैसे कैसे इसका स्टेक खत्म हुआ, कब मर्जर हुआ और कितना इसके ऊपर डेप्थ है और आज के डेट में इसके कितने सब्सक्राइबर हैं, ये हुई उसकी कहानी। अब आइए बताते हैं कि जब हच जो था, जब सही चल रहा था, उस वक्त क्या सिनारियो था। तो उस वक्त अगर मैं सिनारियो दिखाऊं तो आप देखिए जो मार्केट शेयर था वायरलेस सब्सक्राइबर बेस इन ईयर 2016, उसमें एयरटेल का सबसे ज्यादा था। 2016 की मैं बात कर रहा हूं, मैं 2016 की बात कर रहा हूं, एयरटेल के पास 25.03% था, वोडाफोन के पास 19.46% था, आइडिया के पास उससे कम था 17.19, बीएसएनएल के पास उससे कम था 8.98, एयरसेल 8.72, आरकॉम 8.46, टाटा इंडोकॉम हुआ करता था 5.66, यूनिनोर भी था 5.17, और एक सिस्टमा करके कंपनी ये हुआ करती थी, ये जो कंपनी थी ये कुछ ही इलाके में अपना ये काम कर रही थी, उसके पास भी 0.69% था। उसके बाद फिर जो था ये MTNL के पास 0.35 और क्वाड्रेंट जो था इसके पास 0.29, ये वीडियो कॉल का पार्ट था जो क्वाड्रेंट जो था। तो आप 2016 में आप देखेंगे तो देखिए ग्राफ इस तरीके का था, ये एयरटेल का ग्राफ है, आप देख रहे हैं एयरटेल का सबसे बड़ा, वोडाफोन का उससे कम, यानी वोडाफोन नंबर 2 कंपनी थी 2016 तक, आइडिया नंबर 3 पे और बीएसएनएल नंबर 4 पे। हम इनकी ही बात करेंगे अभी क्योंकि एयरसेल तो एयरटेल में चला गया, आरकॉम की स्थिति आपको पता है, आइडिया जो था वो वोडाफोन में मर्ज हो गया ये आइडिया, और ये जो टाटा इंडिकॉम है बेचारा वो भी जो है सो अब ऑपरेशन बंद हो गया, यूनिनोर भी एयरटेल में मर्ज हो गया, और इन MTNL भी अब बंदी के कगार पे ही है, ऑलमोस्ट बंदी है, और क्वाड्रेंट भी जो है वो भी आज के डेट में नहीं है। तो 2016 में जो सबसे ज्यादा जो शेयर था मार्केट का वो एयरटेल के पास था, वोडाफोन था और आइडिया था और बीएसएनएल, ये चार प्लेयर की बात हम आगे करेंगे। ये कहानी थी 2016 की। अब 2017 में आते हैं। अब 2017 में मैं आपको सीधे मैं ये दिखा रहा हूं, डेटा दिखा रहा हूं 2017 का, कि 2017 में क्या हुआ। 2016 में तो एयरटेल नंबर 1 था, ये आप देख रहे हैं, 2017 में भी एयरटेल नंबर 1 था और वोडाफोन जो था वो 17.68 के साथ नंबर 2 पे था। 2016 में देखिए ये 19% था इसका मार्केट शेयर, 2017 में इसका 17.68 आ गया, आइडिया जो था वो 17 पॉइंट का शेयर था, 17.19 का, 2017 में देखिए आइडिया का 16.2 आया, यानी इसके इसके भी कम हुए। और बीच में एक नया प्लेयर जियो आ गया जो कि शुरू में तो इसका 6% ही था, मगर इसने भी अपना 12% का सब्सक्राइबर बेस बना लिया 2017 तक, एक नया खिलाड़ी आया 2017 में। और उसके बाद क्या हुआ कि ये सब जो थे MTNL और ये सारे जो है सो सिस्टमा वगैरह ये सब तो अपने बेचारे, और वो क्वाड्रेंट तो उसी वक्त खत्म हो गया था, बाकी ये सब तो पानी मांगने लगे, मगर आपका BSNL, जियो, आइडिया, वोडाफोन और एयरटेल ये 5 मेजर प्लेयर इसमें रह गए, जिसमें कि जियो 2016 में 6% के आसपास बनाया था, 2017 में ये 12.39% के आसपास इसका स्टेक हो गया। अब 2018 आते तक अब देखिए क्या हुआ, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ 2018 का, 2018 आते आते तक क्या हुआ, एयरटेल जो था वो अब 29% का इसके पास आ गया, क्योंकि अब मेजर 4 ही प्लेयर रह गए, एयरटेल, वोडाफोन, जियो और बीएसएनएल। अब देखिए 2018 में एयरटेल जो था वो 29.64 का इसका मार्केट हो गया, कैसे हो गया क्योंकि अब इसका तो 24% था 2017 में, तो 2018 में इसके पास 29% कैसे हो गया, क्योंकि इसने जब यूनिनोर और एयरसेल वार सबको मर्ज किया तो उसके कस्टमर भी इसके पास आ गए एयरटेल के पास, तो एयरटेल को के पास 29.64% हो गए। वोडाफोन का आप देखिए, वोडाफोन का जो कस्टमर जो था जो 17.68 था और आइडिया का जो 16.2 था, तो ये सारे कस्टमर मर्ज हो गए और इसका भी शेयर बढ़ गया वोडाफोन आइडिया का, और ये 37.85 हो गया। और जियो जो 12% 13% पे था, ये देखिए जियो जो 12.39% था, जियो जो था वो 2018 तक 20% हो गया, और बीएसएनएल जो था वो 9.73% पे रहा। तो 2018 तक इनकी ये स्थिति थी, यानी अगर हम 2018 को देखें तो वोडाफोन और आइडिया मिलकर के 2018 में सबसे ज्यादा इसका कस्टमर बेस था, लेकिन कंपनी तो 2-3 साल से लॉस बुक कर रही थी, एजीआर का भी जबरदस्त मार पड़ा था इसके ऊपर, तो इस कारण इतना ज्यादा कस्टमर बेस होते हुए भी इसके कस्टमर्स का विश्वास फेथ जो था वो वोडाफोन के ऊपर से उठने लगा,
उनको लगा कि वोडाफोन के पास अब पैसे नहीं है, अब लिक्विडिटी का क्राइसिस हो रहा है, ये कंपनी पता नहीं सरवाइव करेगी या नहीं करेगी, तो इसके कस्टमर धीरे धीरे इधर उधर भागने लगे, थोड़े बहुत तो एयरटेल में गए और मेजर कस्टमर इसके जियो में आने लगे। ये इसकी कहानी हुई 2018 के बाद। आज की डेट में 2020 में अगर हम देखेंगे तो 2020 की स्थिति ये है, ये देखिए आप 2020 की स्थिति ये है। मैं थोड़ा सा इसको और छोटा कर देता हूँ, छोटा करके समझाता हूँ आपको। ये देखिए 2020 की स्थिति ये है। आज की स्थिति क्या है? आज जियो सबसे बड़ा है, यानी धीरे 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 एयरटेल और वोडाफोन का कस्टमर खींचते खींचते जियो का आज मार्केट शेयर जो है वो 34.82% है, एयरटेल का मार्केट शेयर जो है वो 27.76% है, और उससे कम जो कस्टमर है अब इसके पास है वोडाफोन के पास, इसके पास 26.75% है, और BSNL के पास आज के डेट में 10.66% है। यानी जियो नंबर वन, एयरटेल नंबर टू और वोडाफोन नंबर थ्री। तो अभी ये करंट स्थिति है। अब यहाँ पे वोडाफोन को क्या करना, अगर वोडाफोन जैसा मैंने आपको बताया था पहले कि वोडाफोन को दो चैलेंज है। पहला चैलेंज चैलेंज क्या है? इसने जो अपने कस्टमर को खोए हैं उस कस्टमर को वापस लाना। दूसरा चैलेंज क्या है इसके पास इसके साथ, कि जो इसके ऊपर इसके साथ लिक्विडिटी क्राइसिस है, उस लिक्विडिटी क्राइसिस को जितना जल्दी ये सॉल्व कर ले उतना अच्छा होगा वोडाफोन के लिए, क्योंकि वोडाफोन जो है वो मतलब काफी अच्छी और काफी बड़ी कंपनी है। तो इस कंपनी के भी जो एसेट्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत अच्छे हैं, तो ऐसा नहीं कि कंपनी जल्दी से हार मानने वाली है। तो इसलिए आज मैंने वीडियो का जो टाइटल दिया है, वो टाइटल मैंने वीडियो का यही दिया है कि वोडाफोन जो है वो फिर से रेस में दौड़ने को तैयार है, क्योंकि इसके अंदर कैपेसिटी है, सब कुछ है, बस स्ट्रेटेजी बनाना है, लिक्विडिटी कैसे रेज करेंगे इसको ध्यान देना है, कस्टमर को कैसे रिटेन करना है इस पर ध्यान देना है। तो कस्टमर रिटेंशन एंड जो है सो ये फंड रेजिंग, ये दो चीज पे इसने ध्यान दिया तो ये कंपनी सरवाइव कर जाएगी। तो अब हम इसी के साथ बात करते हैं। ये तो हमने आपको मार्केट शेयर दिखाया कि कैसे 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 इसका मार्केट जो है घटा, और कैसे कैसे इसका जो है जियो धीरे धीरे कैसे बढ़ा, एयरटेल जो है वो बेचारा अपना मेंटेन करके रह गया। हालत तो एयरटेल की भी खराब है, मगर ये किसी तरह से बचा हुआ, क्योंकि इसने शुरू से लूटा है इंडियन कस्टमर को। इनकमिंग भी 16 रुपया पर मिनट था और आउटगोइंग भी 16 रुपया पर मिनट था, और जब रिलायंस कम्युनिकेशन जब आया लेकर के उसने पर सेकंड के हिसाब से पल्स शुरू किया, तब अचानक से आउटगोइंग भी इनकमिंग भी फ्री हो गया, पल्स भी कम हो गया। एक 300 रुपये में ये जो 1 GB का पूरे महीने का 300 रुपये का जो बेचते थे ये 1 GB का डेटा, और 250 250 जो है 100 रुपये में जियो ने जैसा ही पर डे 1 GB कर दिया, अब ये भी पर डे पे आ गए। क्यों भैया? पहले तो तुमको नुकसान हो रहा था पर डे 1 GB देने में, तुम पूरे महीने में दे रहे थे उतने पैसे में, अब उतने पैसे में रोज कैसे देने लगे तुम? तो इनके पास लूट का माल भरा हुआ था, मैं तो यही बोलूंगा कि उन्होंने फायदा उठाया, तो ये सरवाइव कर गए। वोडाफोन सरवाइव नहीं कर पाया, क्योंकि वोडाफोन जो था वो पहले से, हालांकि वोडाफोन भी वो वही काम कर रहा था, ये भी उसी तरीके का पैकेज जो है वो चला रहा था, मगर फिर भी वोडाफोन जो है वो बेचारा लड़खड़ा गया। अब आइए, अब मार्केट शेयर के बाद हम कस्टमर बेस के बाद रेवेन्यू की बात करते हैं। तो ये देखिए मैं रेवेन्यू दिखा रहा हूं आपको, अब इससे भी आपको समझ में आएगा कि कहानी क्या है। 2000 फाइनेंशियल ईयर 2013-14 में जो टोटल रेवेन्यू आया था वोडाफोन को वो 37,777 करोड़ आया था, जिसमें इसका खर्च था 26,930 करोड़, और EBITDA यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन वो सब खर्च करने के पहले इसके पास 10,847 करोड़ का ये ऑपरेशनल प्रॉफिट में था 2013-14 में। और जो खर्च हुआ था इनका, वो इनका खर्च हुआ था 8,037 करोड़, जो इन्होंने इंटरेस्ट दिया था टैक्स डिप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन में, और इनका जो है बाद में प्रॉफिट और लॉस जो हुआ था वो 2,809 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट बुक किया था 2014 में। 2015 में इनका रेवेन्यू तो बढ़ा मगर एक्सपेंडिचर भी बढ़ा, और इनको प्रॉफिट हुआ था 12,605 का, मतलब EBITDA इनका अर्निंग था, मगर ITDA यानी इंटरेस्ट टैक्स वगैरह सब देख इनको ज्यादा देना पड़ गया 2014-15 में, तो 10,000 दिया, तो इनका जो प्रॉफिट था वो 2015
फिनेंशियल ईयर 2014 से फिनेंशियल ईयर 2015 में कम हो गया, और वो कम होकर के आ गया 1689 करोड़ का ही फायदा हुआ। फिनेंशियल ईयर 2016 में क्या हुआ, इनका रेवेन्यू जो है वो और घट गया, 37,000 2014 में था, 2015 में 42,000, मगर 2016 में 35,000 हो गया, मतलब सीधे 7,000 करोड़ घट गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मिस्टर जियो आ चुके थे, उनके आते ही इसका कस्टमर खाना शुरू कर दिया जियो ने। उसके बाद एक्सपेंडिचर इनका 23,909 करोड़ का था, उसके बाद इनके जो भी टैक्स वैक्स मिला के इन्होंने 12,000 करोड़ का खर्चा किया, मतलब वो 12,072 करोड़ का फायदा हुआ था इनको, EBITDA फायदा नहीं कहूंगा मैं, अर्निंग जो था वो टैक्स के पहले इनका 12,000 करोड़ का था, उसके बाद टैक्स वगैरह सब कुछ दे करके इनका डिप्रिसिएशन वगैरह 9,426 करोड़, इनको फायदा हुआ था 2,646 करोड़। यानी देखिए ये सीधे 1,689 करोड़ से इनका यहाँ पे तो बढ़ा है, सॉरी ये 2,809 करोड़, 1,689 करोड़ और 2,646 करोड़, यानी कि 2016 में, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, 2016 में इनका बढ़ा है 2015 से, रेवेन्यू घटने के बाद भी इनका जो है सो बढ़ा है, क्योंकि इनको टैक्स वगैरह कम देना पड़ा है तो इनका बढ़ा। उसके बाद 2017 की बात करेंगे तो 2016 तक तो ये प्रॉफिट में है, आप ये देखिए 2800 का 2014 में, 1600 करोड़ का 2015 में, और ये जो है 2600 करोड़ का, 2640 करोड़ का 2016 में, मगर 2017 में कंपनी लॉस में चली गई, क्योंकि कंपनी का एक्सपेंडिचर भी बढ़ गया और कंपनी का जो है वो टैक्स वगैरह भी जो है वो सब बढ़ गया, क्योंकि कर्जा बढ़ रहा था, तो ये 831 करोड़ के नुकसान में गई 2016 में। 2018 में ये 4,458 करोड़ के नुकसान में चली गई ये कंपनी, ये देखिए कितना बड़ा नुकसान हुआ 2018 में। क्यों? क्योंकि रेवेन्यू भी इनका कम हो गया, और उसके अलावा जो है इनका रेवेन्यू जो है लगभग 7,000 करोड़ से कम हो गया, और इनको लगता है कि टैक्स वगैरह भी बहुत ज्यादा देना पड़ा, और ये 4,458 करोड़ के नुकसान में चली गई, तो बहुत ज्यादा नुकसान में चली गई। 2019 में देखिए ये 15,292 करोड़ के नुकसान में चली गई, और अभी जो फिनेंशियल ईयर 20 का आया था इसमें 34,407 करोड़ के नुकसान में ये कंपनी चली गई। तो ये है इसकी कहानी, ये कंपनी धीरे 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 जो है वो नुकसान की ओर कंपनी जा रही थी 2020 में, लेकिन अभी जो इनका क्वार्टर वन का रिजल्ट आया है उसमें इन्होंने सही दिखाया है, एक मतलब ये एक मिनट में देख लेता हूँ, इनका जो रिजल्ट आया है उसमें इन्होंने अभी जो है सही दिखाया का मतलब प्रॉफिट नहीं दिखाया है, मगर इन्होंने जो है वो पिछला रिजल्ट में मेंटेन रखा है उस चीज को। तो ये है इनका रेवेन्यू ग्राफ, कैसे 2014 से 2016 तक प्रॉफिट में है और 2017 18 19 20 से नुकसान में है। तो अब वोडाफोन कर क्या रही है, हमें ये देखना होगा कि वोडाफोन जो है अब, भाई जब मैं बोलता हूँ कि ये इस दौड़ने को तैयार है, इस रेस में तैयारी कर रही है, तो फिर ये जो है वो आखिर ऐसा क्या कर रही है, ये फिर से अपने आप को रिवाइव कर लेगी। तो अब ये देखिए सबसे बड़ी बात क्या कि सुप्रीम कोर्ट ने इनको 10 साल का टाइम दे दिया कि भाई तुम एक बार में 58,000 करोड़ या 53,000 करोड़ नहीं दे सकते, तो तुम 10 साल में दे दो, तो इससे अब इनको थोड़ा सा तो सांस मिल लेने के लिए मोहलत मिल गया। दूसरा, इनको मार्च 2021 तक पहला किस्त देना है लगभग 5,000 करोड़ का, जो कि ये दे देंगे। और मीटिंग में वोडाफोन की जो मीटिंग हुई थी उसमें बोर्ड ने अप्रूव कर दिया है वोडाफोन आइडिया को कि भाई 25,000 करोड़ का जो है हम फंड रेज करेंगे, इक्विटी और डेट वगैरह कहीं से लेके जैसे भी हो या एसेट्स बेच करके हम 25,000 करोड़ का हम फंड रेज करेंगे, तो हम इन सब क्राइसिस से निकल सकते हैं। दूसरी बात कि 4G का जो कवरेज का एक्सपेंशन बहुत तेजी से कर रही है वोडाफोन, क्योंकि भाई आजकल तो 4G का जमाना है, हर कोई 4G ही यूज करता है, तो वोडाफोन अगर पीछे रह जाएगी, हर जगह कवरेज नहीं होगा, सर्विस नहीं होगा 4G का, तो कैसे कस्टमर को रिटेन कर पाएगी, क्योंकि इसका कस्टमर रिटेंशन का भी पॉलिसी है। तो वोडाफोन जो है वो 4G के कवरेज को बढ़ा रही है, और कंपनी का पहले 50% था कवरेज, अब इसको बढ़ा करके 2 साल में 82% जो है कंपनी कर रही है। देखिए कितना बड़ा जो है सो एक्सपेंशन प्लान है इनका 4G का, यानी कि जब ये 4G आ जाएगा, 5G तो भी किसी ने वो नहीं किया है, निकाला नहीं है, तो जब 4G तो हर किसी के पास है, रिलायंस और इसके जियो और एयरटेल के पास, तो इनको भी 4G में उनको टक्कर देना होगा, तभी क्लाइंट्स आएंगे, कस्टमर आएंगे।
तो ये 50% से 82% करने जा रही है 2 साल में। और कंपनी प्लान्स टू इंक्रीज द टू 90% इन फ्यू की सर्किस, मतलब 82% से ये फिर 90% जो है ये भी इनका प्लान है कि हम कर लेंगे। उसके बाद ये क्या करेगी, इसके जितने भी 3G कस्टमर्स हैं उन सबको ये 4G नेटवर्क में जो है वो इनको अपग्रेड करेगी 3G कस्टमर्स को। ये एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। उसके बाद आगे क्या प्लान है कंपनी के पास, कंपनी के पास प्लान ये है कि कंपनी एक गीगा नेट जो है निकाल रही है, जैसे आपने सुना था जियो फाइबर, उसी तरीके से कंपनी भी अपना एक गीगा नेट जो है निकाल रही है, जिससे कि डेटा सबको फास्ट मिले और जो है सर्विसेज भी सबको मिलते रहे। तो गीगा नेट में भी कंपनी जो है सो लॉन्च की है कंपनी। उसके बाद कंपनी जो है रिब्रांडिंग कर रही है अपना, मतलब जो भी है एडवर्टीजमेंट वगैरह वोडाफोन से वोडाफोन आइडिया हो गए, या वोडाफोन आइडिया को ये हर जगह पहुंचाना चाह रही है कहीं स्पॉन्सरशिप वगैरह लेकर के, तो अभी ये IPL के साथ ये लिंक कर रही है, स्पॉन्सरशिप डील कर रही है अपने ब्रांड के लिए, ताकि इसके ब्रांड को रिकॉग्निशन मिल सके। क्योंकि एडवर्टीजमेंट वर्ल्ड है, जितना ज़्यादा एडवर्टीजमेंट होगा लोग उतना जानेंगे कि वोडाफोन की जो सर्विस है अब सारी अब अपग्रेड हो गई है, अप टू डेट हो गई है, कवरेज रेट बढ़ रहा है, तो ये सारा वोडाफोन के लिए अच्छा होगा। तो अब ये वो काम कर रही है। और कंपनी का मानना है कि अगर उसने 10,000 करोड़ का जो उसका भी टारगेट है करने का, चाहे एसेट्स बेच करके या वो जो है अपना किसी से रेज करने किसी भी तरीके से कर ले, तो अगर वो 10,000 करोड़ भी कर लेती है तो 3500 करोड़ इस फिनेंशियल ईयर तक का जो उसका प्लान है वो पूरा हो सकता है। और कंपनी ये उम्मीद कर रही है कि 7,500 करोड़ से लेकर के 8,000 करोड़ जो है वो अपने फाइबर ऑप्टिक बिजनेस में लगाएगी। देखिए फाइबर ऑप्टिक बिजनेस आजकल हर जगह फाइबर केबल आ रहा है, तो ये कंपनी भी पीछे नहीं रहने वाली है, इसका भी ध्यान है। तो ये भी फाइबर ऑप्टिक जो है बिजनेस में 7,500 से 8,000 करोड़ लगाएगी, और जो कुछ और जो बचे हुए पैसे हैं वो ये अपने इनका जो डेटा सेंटर का जो बिजनेस है ये उससे जो है वो और पैसे रेज करेगी। और वोडाफोन आइडिया जो है इसी तरीके से अपने कस्टमर को रिटेन करने की कोशिश कर रही है, रोकने की कोशिश कर रही है कि भैया एक सर्विस हमारा बंद नहीं होगा, बल्कि हम और इसको इम्प्रूव कर रहे हैं, आप हमारे पास रहो, आप कहीं मत जाओ, ऐसे करके कस्टमर को वो रिटेन भी करेगी। और जो लिक्विडिटी क्राइसिस है उसको भी ये फंड रेज करके रिजॉल्व करेगी। तो वोडाफोन एक बार फिर से कमर कस करके दौड़ने को तैयार है। तो अभी जो वोडाफोन का जो प्राइस है, जो मैंने शुरू में दिखाया था कि 9.25 रुपया पे जो वोडाफोन का प्राइस है, तो अभी ये 9.25 रुपये पे है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी आ सकता है। लेकिन एक बार अगर वोडाफोन ने रेस में दौड़ना शुरू कर दिया और इनके जो प्लान है स्ट्रेटेजी है वो अगर सक्सेसफुल हो गया, तो फिर वोडाफोन के शेयर में भी काफ़ी अच्छा बूम देखने को मिलेगा। इसलिए फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए जो है ये कंपनी एक अच्छी कंपनी हो सकती है। आप इन सब चीज़ों पे भी गौर कीजिएगा, जो मैंने आपके साथ जानकारी साझा की है इसको भी आप अपने एंड से एक बार वेरीफाई कीजिएगा और देखिएगा। मेरे ख्याल से फ्यूचर में जा करके ये एक मल्टी बैगर कंपनी हो सकती है। इस कंपनी के बारे में मैंने पहला वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बोला था कि जब तक इसके 3 रास्ते थे जो मैंने बताया था, सुप्रीम कोर्ट क्यूरेटिव का और वो सारे, इसमें से कोई रास्ता जब तक नहीं निकलता है कोई मतलब नहीं है, मगर एक रास्ता बीच का निकल गया है वोडाफोन का, तो अब ये उसी पाथ को फॉलो कर रही है। तो अब मेरा जो ओपिनियन है वो थोड़ा अब इसके बारे में चेंज हुआ है, इसलिए मैं फॉलो अप वीडियो लेकर के आ रहा हूँ आपके पास। तो अभी अगर ये आपको 8 रुपये 9 रुपये 10 रुपये तक अगर शेयर मिलता है तो इस वैल्यूएशन पे सही है, आप इसको लेकर के लॉन्ग टाइम पे के लिए रख सकते हैं। और बाकी काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो आलोक को 5 रुपये में खरीदना चाहते थे, वो भी इंतज़ार कर सकते हैं कि ये कंपनी का शेयर मुझे 2 रुपये में मिलेगा, तो आप भी उम्मीद कर सकते हैं। क्योंकि UVSL भी कुछ दिन में ऊपर आने वाला है, तो वोडाफोन न मिले तो आपको उत्तम वैल्यू तो 2 रुपये में मिल ही जाएगा। एनीवे, तो आप इस पर ध्यान दीजिए वोडाफोन पे और इस पर नज़र बनाए रखिए, इसमें आपको कभी भी मूवमेंट देखने को मिल सकता है। हो सकता है आपको 2 दिन बाद मिले, 5 दिन बाद मिले, 10 दिन बाद मिले, कभी भी मिले, लेकिन इसमें मिलेगा जरूर, जैसा इसके अंदर जो है वो मिस्टर राजीव टक्कर ने और कुमार मंगलम बिड़ला ने जो है इस पे कमर कस लिया है अब इस गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए। तो और इसमें अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप अपने फंड मैनेजर या फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या कंसल्टेंट से जरूर एक बार आप अपना एडवाइस ले लेंगे। और मैंने ये वीडियो नॉलेज पर्पस के लिए बनाया है,
अगर आपको मेरे साथ कुछ शेयर करना हो, कुछ एक्सचेंज करना हो, कोई डॉक्यूमेंट हो या किसी अपना व्यू हो, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरे चैनल का ईमेल आईडी है stk.learning@gmail.com। इसी के साथ मैं आप सबसे विदा चाहूंगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।